नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं मत्स्य विकास पदाधिकारी के नियुक्ति पत्र देने का जो कार्यक्रम, उसके वितरण का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया ज्ञान भवन में, मैं इसके लिए विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सब लोग यहां मौजूद हैं, बड़ी खुशी की बात है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, पशु मत्स्य संसाधन विभाग के माननीय मंत्री जनाब मोहम्मद आफाक आलम साहब, यहां उपस्थित हैं हमारे किशनगंज के माननीय विधायक जनाब इजराहुल हसन साहब, और इस कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मुख्य सचिव और अब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब, कृषि तथा पशु मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव श्री एन श्रवण कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, निदेशक पशुपालन पशु मत्स्य संसाधन श्री विजय प्रकाश मीना जी, प्रबंध निदेशक कॉम्फेड श्रीमती शिखा श्रीवास्तव जी, निदेशक पशु मत्स्य संसाधन विभाग जनाब निषाद अहमद साहब, और इस कार्यक्रम में उपस्थित पशु मत्स्य संसाधन विभाग के सभी पदाधिकारीगण, सभी कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी पशु चिकित्सा अधिकारी और मत्स्य विकास पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम के लिए मैं अभिनंदन करता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि सांस्कृतिक रूप से कुछ लोगों को आज नियुक्ति पत्र वितरित करने का मौका मिला, वो तो एक सांकेतिक है, लेकिन सब लोगों को बुलाया गया है, सभी को आज सब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और न सिर्फ नियुक्ति पत्र मिलेगा बल्कि उनको कहां पोस्टिंग कर रहे हैं हमने पूछ लिया है, उन्होंने बता दिया है, वो आज ही सब कुछ कर देंगे आप लोगों का। आज आने का बहुत खुशी हुई है। आप सब जानते ही हैं कि अभी तो मान लीजिए कि जब ही सब बताया गया कि कुल मिलाकर के 477 पदों की नियुक्ति की गई है अब, लेकिन जो पशु चिकित्सकों के 1880 पद है, अब इसमें जो पढ़ा करके 1355 किया गया है, और उसी तरह से कुल मिलाकर के मत्स्य कर्मियों और पदाधिकारियों के 1723 पद हैं, उसमें वर्तमान में मात्र 465 था, और इसको जो अभी नियुक्ति की गई कुल संख्या 459 हो रहा है। लेकिन हमने यही अनुरोध किया है और अभी इन लोगों ने घोषणा भी कर दी है कि भाई अभी तो कुछ लोगों को नियुक्ति हो गई, लेकिन इन पदों पर बाकी जो और नियुक्ति होनी है बहुत जल्दी उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। अब हमारे उप मुख्यमंत्री ने तो बता दिया आपको, हम तो यहां की बात कह रहे हैं, हम लोग तो सभी विभाग का जहां कहीं भी कहना है, और आप देख लीजिएगा कितनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं जब भी कैबिनेट हो रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, अलग अलग विभागों का, उसमें जितनी नियुक्ति होनी है उसके बारे में हम लोग सैंक्शन करते जा रहे हैं, और हम लोगों ने बात कर दिया है एक विभाग और देख रहे हैं, और बहुत दिन नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही जहां जहां जितना हम लोग नियुक्ति कर सकते हैं वो देख लीजिए, कई लाख की नियुक्ति होगी सब लोगों को। और इसके अलावे लोगों को एक तो सरकार नियुक्ति पत्र देगी, लेकिन इसके अलावे उनको और काम करने का मौका मिले, यह भी हम लोग साथ साथ उसके लिए भी कर रहे हैं ताकि तेजी से काम हो सके। अब आप देख रहे हैं कि हर चीज के लिए हम लोगों ने जो विकास किया है, आप जानते ही हैं कि जो ये काम हुआ है, हम लोगों ने नामकरण किया उसका नाम कृषि रोड मैप, और कृषि रोड मैप 2008 से शुरू किया है, और उसमें कृषि का और उसके अलावे पशु एवं मत्स्य संसाधन का, ये सब का काम करते हुए हम लोगों ने जो शुरू किया है, अब आप जानते ही हैं कि हर चीज का विकास होता चला जा रहा है, हर चीज का, खेती बढ़ रही है, लेकिन पहले जो था वो थोड़ा सा
इसमें काम कम होता था, पशुए मत संसाधन है, तो उसके लिए और ज्यादा विकास के लिए हम लोगों ने उसी के माध्यम से शुरुआत कराया। और शुरू में लोगों को बाहर भेज भेज के हम लोग दिखवाए कि कितना ज्यादा आप कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए जो हम लोगों ने काम किया है उसी के चलते, और हर जगह से खाली पशु ही नहीं, मछली का, मुर्गी का, सबका जो है, बकरी, इन सब चीजों का बाहर भेज भेज के सब लोगों को दिखाए हैं कि पहले कहां होता था, कितना कम मछली का होता था, कितना कम मुर्गी का होता था, सब कुछ, और अब संख्या कितनी बढ़ गई है। हम लोगों ने तो कृषि रोड मैप में टारगेट रख दिया, लक्ष्य रख दिया है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी थोड़ा और आगे बढ़ना है। लेकिन जो बाहर से सब आके रखता था, तब उसके चलते यहां पर सब कुछ हो रहा है, तो बड़ी बड़ी बात है। इसलिए पशु मत्स्य संसाधन विकास का भी बहुत बड़ा काम, पशुओं का और सब चीजों का, और उसके अलावे सबकी पढ़ाई के लिए। अब यहां देख लीजिए, जो हम लोगों ने बनवाए तो यूनिवर्सिटी सबसे पहले बनवाया, तो हम लोगों ने जो बना दिया यहां का पशुओं के लिए अलग से यूनिवर्सिटी, तो ये सब तो इसके बारे में लोग शिक्षा लेंगे। और जो कुछ भी किया गया, पहले तो मात्र एक आध जगह की पढ़ाई हो रही थी, तो हम लोगों ने तब कई जगहों पर इसको पढ़ा दिया, अभी आप लोगों को बताया गया, अनेक जगहों पर हम लोगों ने ये सब काम करना शुरू किया है। अब ये सब जो समझ लीजिए कि एक एक चीज के लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, अब उसके चलते काफी सुविधा हो गई। अब आप तो जानते हैं ना, हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी बढ़ा रहे हैं, और पशु एवं मत्स्य संसाधन को ध्यान में रखते हुए भी कई तरह के इसको बढ़वा रहे हैं, विश्वविद्यालयों को बढ़वा रहे हैं, सब तरह का कर रहे हैं, कॉलेज को बढ़वा रहे हैं। तो एक एक चीज को हम लोग जो काम कर रहे हैं, अब आपको जानते हैं कि कितने जगह पर कर, अब पटना में डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, किशनगंज में फिशरीज कॉलेज, और किशनगंज में ही वेटनरी कॉलेज, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, उसकी भी स्थापना की है। तो सब लोगों की पढ़ाई, और अभी तो जो यूनिवर्सिटी का काम जो शुरू किया हम लोगों ने, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, और नामकरण हम ही लोगों ने किया है। पहले लोग सोचते थे पशु विश्वविद्यालय, हमने कहा कि नहीं, यह एक विज्ञान है, इसका उसका नामकरण किए हम लोग पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। अगर आप पता कर लीजिए, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय सबसे पहले बिहार में नामकरण हुआ है, और इसके बाद पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अब अन्य जगहों पर भी नामकरण शुरू हुआ है। तो हम लोगों की बात को कोई भूलता है, प्रचार में लगे रहते हैं। हम लोग जितना काम कर देते हैं, तो इस सब चीज को ध्यान में रखिएगा, और उसके चलते हम लोग जो भी चाहते हैं, और सब लोगों को इतना ज्यादा करके, और सब लोगों का उनकी बहाली हो जाए और खूब हो। अब पढ़ने में कितना दिक्कत होता था, यहां तक कि कृषि पढ़ने वाले भी कुछ लोग एडमिट करते थे, चले जाते थे। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सबको पढ़ने के लिए न सिर्फ हम लोग कॉलेज ज्यादा पढ़ाए, बल्कि दोनों तरफ और पढ़ा करके, और सभी पढ़ने वालों को हम लोगों ने कहा कि सबको हम देंगे 2000 रुपया प्रति महीना, और 6000 रुपया हर साल उनको अपना किताब उताब खरीदने के लिए सब कुछ देकर। तो आप देख रहे हैं ना, पहले कितने लोग आते थे, एडमिशन लेते थे, लौट जाते थे, अब सब जगह कितने लोग पढ़ने लगे, और कितने तरह की पढ़ाई हो रही है, और कितना ज्यादा विकास हो रहा है। तो इन सब चीजों को देख करके, चाहे कृषि हो या पशु मत्स्य संसाधन हो, दोनों के विकास के लिए हम सब लोग पूरे तौर पर ध्यान देकर काम कर रहे हैं। तो इसलिए आज जो आप लोगों की बहाली हुई, बहुत खुशी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो हमने शुरू में ही कर दिया है, कि बाकी भी बहाली बहुत जल्दी कर दीजिए, और इसका जो विकास होगा, साहब जब बहाली होगी तो देखेंगे, पढ़ेंगे, एक एक चीज को जानेंगे, सबको मदद किया जाएगा, तो उस सब काम से तो और बढ़ावा मिलेगा ना साहब। हर चीज का उत्पादन कितना बढ़ेगा, लोगों की आमदनी कितनी बढ़ेगी। हम लोग तो गरीब राज्य, लेकिन हम लोग तो चाहते ही ना भाई। तो आप जरा सोच लीजिए ना, कि अपने राज्य के लगभग 75% लोग
इन्हीं दोनों चीजों पर निर्भर है। तब आप सोच लीजिए कि इसको जितना और विकसित करेंगे उतना ही ज्यादा सबकी प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी। तो हम लोग तो जो भी संभव है अपनी तरफ से कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। और ये जो भी है कृषि रोड मैप का, जो 8 से शुरू हुआ अभी तक 22 तक का था तीसरा, अब उसको 23 तक का कर दिए हैं, उसके आगे भी हम लोग करेंगे। अब तक जितना काम हुआ है कृषि पशु मत संसाधन, इसको और आगे बढ़ाने के लिए, और इसके लिए जानते हैं हम लोग तो बुलाते हैं देश भर के सारे विशेषज्ञों को, एक से एक एक्सपर्ट लोग आते हैं, बैठते हैं, और यहाँ के लोग जो इन सब कामों में, चाहे पशु मत संसाधन में हो या कृषि के क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, उन सब लोगों को भी एक जगह बुलाते हैं और सब लोगों की बात सुन करके उसी के हिसाब से हम लोग कृषि रोड मैप को और आगे बढ़ाते हैं। तो उसका मकसद यही है भाई कि पूरा राज्य विकसित हो और 75% के करीब लोग जो इसी पर निर्भर हैं उनकी आमदनी बढ़े, इसको तो हम लोग बढ़ाते ही रहेंगे और रोजगार भी बढ़ाएंगे और लोग काम करें उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और जब सब परिवार की आमदनी बढ़ेगी तब बाल बच्चा को तो और आगे ना बढ़ाएंगे, उनको तो मौका मिलेगा ना सब लोगों को। अब किस तरह से हमने महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया, अब एक ही काम नहीं ना है, सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना, महिलाओं की शिक्षा होगी तो महिलाओं की शिक्षा होते ही प्रजनन दर घटता जाएगा। अब उसमें भी जो हम देख रहे हैं रोज एनालिसिस बराबर कर रहे हैं कि अब जिन तबकों में अभी उतना ज्यादा लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं, तो हमने अब कह दिया कि एक एक जगह का पता कर लीजिए कि कौन सी लोग, किसी भी बिरादरी के कौन लोग अभी लड़कियां कम पढ़ रही हैं, वहां पर और ध्यान दे करके और ज्यादा काम करना पड़ेगा ताकि हर कम्युनिटी की लड़कियां पढ़ ले। और जैसे ही पढ़े, आप जानते हैं लड़की पढ़ लेगी तो सीधे प्रजनन दर नीचे जाएगा। हम लोग जो शुरू से काम कर रहे हैं तो 4.3 था, अब घटते घटते 2.9 पर आ गया है। हम लोग इसको 2 के भी नीचे कर देंगे तो कुछ साल के बाद जो इतनी आबादी बढ़ती है, अरे भाई इसमें तो बहुत दिक्कत होती है ना। आप देखते हैं कि आबादी बढ़ती चली जा रही है तो जितना खेत है उसका भी ना घटते चला जा रहा है हर बार, तो उसके चलते तो दिक्कत होगी। तो उसी तरह से अगर संख्या घट जाएगी, लोगों की आबादी घट जाएगी, तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। अब तो जानते ना भाई आबादी के दृष्टिकोण से आप समझ लीजिए, अगर पूरे देश का देखिएगा तो हम लोगों का क्या हालत है, जितना क्षेत्रफल है उसके हिसाब से हम लोग 12वें नंबर पर, लेकिन आबादी को देखिएगा तो पहले 3 पर था, आजकल सुनने लगे हैं कि हम लोग 2 पर पहुंच गए। इतना सब काम कर रहे हैं तब उसके बाद तो जो बढ़ेगा, और जितना आबादी दर यहां है उतना कहीं नहीं है। तो हम लोग सब इसीलिए सब लड़कियों को पढ़ा करके, जब लड़कियां पढ़ लेती हैं तो उनको पूरा एहसास हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे ये सब काम घटेगा तो बहुत अच्छा होगा। और उसके लिए तो दोनों जगह बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज तो आप लोग आए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। हर चीज में अब आप समझ रहे हैं ना, हर चीज का प्रोडक्शन कितना बढ़ा, दूध का प्रोडक्शन कितना बढ़ा, हमको तो हमने आज ही पूछा है इन लोगों से कि पूरा का पूरा हमको बताइए कि अभी लेटेस्ट क्या हुआ। अब आप सोच लीजिए कि आप समझ लीजिए कि जितना भी मछली का उत्पादन पहले था कम था, मतलब 2007-08 में 2,79,000 था और अब बढ़ करके हो गया है 7,62,000 मछली, लेकिन हम लोगों का था 8,00,000 मेट्रिक टन का, तब थोड़ा सा बचा है। तब इसको और ज्यादा आगे बढ़ा दिया जाएगा तो ये बाहर से नहीं आएगा सब कुछ। अब समझ लीजिए ये मछलियों तो बाहर से ना लगता था जी, अब हालत ये है कि अब बाहर से बहुत कम आ रहा है, अब हम लोगों का भी कुछ मछली दूसरे राज्यों में जा रहा है। अगर बढ़ जाएगा तो बाहर का मछली यहां नहीं लोग लेंगे खाने के लिए, इतना ज्यादा मछली का उत्पादन हो जाएगा कि बाहर ही और मछली को भेजा जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि कितना लाभ मिलेगा लोगों को। तो एक एक चीज के बारे में ये पूरा का पूरा ध्यान, इसीलिए सब लोग आ रहे हैं भाई,
सब चीज को जो देखिएगा, एक एक चीज को आप लोग चारों तरफ, तो मछली का भी वही बात है, मांस का भी वही है, दुगना हो गया है। तो ये सब कुछ जो किया जा रहा है तब सब तरह से बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए आप सब लोगों से यही कि हम लोग तो अपना इंस्टीट्यूशन भी बढ़ा रहे हैं, लोगों की नियुक्ति भी करवा रहे हैं, और अभी जो कुछ भी मीटिंग हुई तो उसमें तो हम लोगों ने कह दिया, जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की बात हुई तो उसमें भी हम लोग जाकर के बैठे और बहुत तेजी से काम हो। हम लोग तो देख रहे थे इतना दिन से हो गया, सब कुछ बता दिया गया कि आपको इतना रुपया लगा करके किया जा रहा है। तो अब सब काम करके और खूब अच्छे ढंग से, और मेरी तो इच्छा और है कि जैसे ही और विकसित होगा तो उसी तरह से पशु विज्ञान को भी बढ़ावा देने के लिए और भी कॉलेजों की बढ़ावा दिया जाएगा। सब पढ़ेंगे और खूब पढ़ेंगे और लोगों को नौकरी भी मिलेगी, काम करने का भी मौका मिलेगा, और राज्य का कितना विकास होगा और कितना आगे हम लोग बढ़ जाए। तो हम लोग तो भाई इसी काम में लगे। लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने तो बता दिया, दिल्ली वाले लोग क्या क्या करते रहते हैं, लोग हम लोग काम कर रहे हैं, कह रहा आज इतना डेवलपमेंट हो रहा, कहीं कोई समस्या लॉ एंड ऑर्डर का भी है जी, झूठ मूठ के बोलते रहते हैं यहां पर, तो जैसी जैसी बात ही लोग करते हैं और कहीं काम हो रहा है, इनका जहां जहां राज है वहां कोई काम हो रहा है जी, खाली प्रचार प्रसार में लोग खर्चा कर रहा है, समझ गए ना, लोगों को मिल रहा है, जो राज्यों का हिस्सा है पैसा मिलने का केंद्र से मिलता है, ऐसे ही बोलते रहते। तो हम लोग तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए लगातार तो मुहिम चलाते ही रहे, और हम ही लोग खाली बिहार के लिए नहीं, देश के जितने पिछड़े राज्य हैं सबको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तभी ना जाकर के केंद्र से ज्यादा मदद मिलेगा और कितना विकसित हो जाएगा, और जब जो पिछड़ा राज्य है वो विकसित होगा तो आप समझ लीजिए अपना देश इतना विकसित होगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित राज्य देश बन जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को राज करने का मौका है तो राज करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते, कैसे राज करते रहे यही काम करते। और हम लोग तो भाई देखिए, हम लोग तो अब तक इतने दिनों से, और हमारे नई पीढ़ी के जो नए लोग, हमको खुशी होती है ये भी हम मुख्यमंत्री को देख करके कि सब लोग काम करने में रुचि है, सब लोगों की कि हम काम आगे बढ़ाए, तो वही ना हम लोग चाहते हैं भाई। तो आप सब लोग भी जरा सा, सभी वर्गों के लोग हैं, एक एक बात को समझ करके रखिएगा और समाज में भी लोगों को समझाइएगा कि हम लोग बिहार में कैसा काम कर रहे हैं, और नहीं तो रोज को देखने के लिए जाते हैं, मोबाइले पर ना सब चीज देखते रहते हैं, तो मोबाइलवा पर देखते रहिएगा, अंड बंड बोलता रहता है, और आजकल तो हमको हाथ फेर होता है, अब तो लगता ही नहीं है कि क्या पढ़ा जाए भाई, पहले इतना अखबार देखना सब कुछ, अब आजकल यही अंड बढ़ाते रहता है, कुछ हम लोग अभी आज बोल दिए तो थोड़ा बहुत कर रहेगा, अब बाकी सब कुछ कुछ रहेगा, ठीक है, समझ लीजिए। तो इसीलिए अब सब तो प्रचार प्रसार, आप लोग सब एकजुट होकर के अपने राज्य में जो काम हो रहा है आप समझ लीजिए, ये ऐसा ही नहीं है, देश का दुनिया का भी सबसे पुराना स्थल है ये, लोग मान ले आज इसको बिहार करते, तो अब जो है तो फिर आगे इसको बढ़ाया जाएगा, कितना ज्यादा दुनिया में जो यहां पर आए हैं जिनको ज्ञान मिला है कितना दुनिया को आगे बढ़ाए, एक एक चीज समझ लीजिए। तो अगर हम लोग को मौका मिल गया बिहार को ठीक कर देंगे, देश ठीक हो जाएगा, और उसके बाद तो पूरे दुनिया में पूरा इसका महत्व होगा, इसलिए काम करना चाहिए, खाली लोग प्रचार प्रसार में लगा रहता है, कौन काम करते है? कोई काम होता है? ऐसे ही कुछ लोगों को पकड़ने में लगा रहता है, इसको काम कहां कर रहे, कहां काम कर रहे। अखैर जो लोग यहां बोले हैं कुछ बात, हम तो वही जाके बोलेंगे उनको जवाब, और भी पहले कहां थे ये सब बता देंगे, एक एक बात हम बता देंगे, हम लोग तो कुछ बोलते नहीं है, शुरू से भी हम कुछ लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग आजकल बोलते ही रहेंगे तो हम लोग भी बता देंगे कि क्या था हालत, तो लेकिन भाई हम लोग तो काम करें,
तो अब एक मिलकर के काम करेंगे और आप लोग भी खूब तेजी से काम कीजिए, अपना काम कीजिए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाइए और पूरे राज्य को आप आगे बढ़ाइएगा, यही मुझको पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है और हमको पूरा इस बात को लेकर के खुशी है। ताज तो मैं आप सब लोगों का जिनकी नियुक्ति हुई है, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आप सबका कि बाकी भी जो शादी है उसको भी आप कुछ महीने के अंदर शुरू करके करवा दीजिए और फिर बुलाइएगा, फिर आएंगे तो बहुत ज्यादा सब लोगों का आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी बात में समाप्त।